सादिकुल अमीन घड़िया गायब। मैंने कहा इस्लाम पूछता है, मैं कानून की जुबान बोलूंगा, मेरे पर बात करने से पहले कानून पर बात करना, तवज्जो है, मैं कानून की बात बोल रहा हूं। तुमने अब्दाबाद में आशिकान रसूल पर गोलियां चलाई है, तुम आगे अपना हाल देखते रहना। एक वजीफा पढ़ो जरा इनकी बर्बादी के लिए, यहां से लेकर वहां तक जो सरकार ने बदर में कुफार के लिए पढ़ा था, मैं आपको पढ़ाता हूं, पढ़ो। सयोह जमो, क्योंकि तुम सरकार वाले हो ना, और स्टेट फायर खूब दिमाग पर किया है। मैंने कहा इतना ही लड़ने का शौक था तो असला उनको भी देते हो, तुम्हारी पैंडी ढीली कर देते, लेकिन ये मुल्क हमारा है, हम दहशतगर्दी की बात नहीं करते। तवज्जो है आपकी, निहत्ते बच्चों को मिलाद के नाम पर मारा। 144 जहां लगा था वो इलाका 6 मील आगे था, तवज्जो है, और ये केपीकी की हुकूमत ने किया। मैं उन पूरों से पूछता हूं, मियां अबू बकर शरखपुरी से पूछता हूं, मैं नूरुल हक कादरी से पूछता हूं, तुम नक्शबंदी हो, इमाम रब्बानी के मानने वाले हो, इमाम रब्बानी ने अकबर के साथ क्या किया था, तुम आस्ताने बेच रहे हो, तुमसे हमारा रिश्ता था, बड़ी यारी थी, लेकिन जब तुमने उनका साथ दिया जिन्होंने स्टेट फायर मिलाद वालों को किया, तो हम यहां पर किसी को खातिर नहीं ला रहे, तो मियां अबू बकर क्या, नूरुल हक कादरी क्या, क्योंकि सबको छोड़कर हुजूर का होना और हुजूर के लिए सबका होना। मियां अबू बकर साहब कभी खत्म नबूवत के लिए बाहर नहीं आया, आप हाज इमरान खान के लिए आप आ गए। फैसले मुजद्दिद अल-फिसानी के सामने होंगे, फैसले कयामत के दिन शेर रब्बानी के सामने होंगे। बेअदबी नहीं कर रहे, आपको बता रहे हैं, पीर होने का मकसद मासूम और आजाद होना नहीं है, पीर होता वो है जो शरीयत का पाबंद होता है, बड़ी गद्दी का सज्जादा होने का ये मकसद नहीं कि वो शरीयत फैलाएंगे। शेर रब्बानी के आस्ताने पर हमारी जान कुर्बान, जो शरीयत के वफादार हैं, क्या ऐसी फिक्र पर इमाम रब्बानी को चेहरा दिखा जा सकेगा।